और आपको नरसिंहपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कैलाश भैया सोनेरी के लिए जोरदार ताली बजाओ, कैलाश सोनेरी। विश्वनाथ सिंह जी जोरदार ताली हमारे विधायक तेंदुखेड़ा के लिए। इस अवसर पर हमारे अपने मेरे अभिन्न मित्र हमारे विधायक भी रहे माननीय जलन सिंह जी, जोरदार अभिनंदन जलन सिंह पटेल जी का। जिला पहले विधायक महेंद्र नागेश जी, महेंद्र जी का भी अभिनंदन, जोरदार ताली बजा महेंद्र जी के लिए। वोट डल गए। जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा जी, आपका वंदन है, अभिनंदन है अभिलाष जी। श्रीमती ज्योति निलेश काकोड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष, बहन के लिए अभिनंदन है। हरि प्रताप बम्बाल जी, सह प्रभारी लोकसभा, आप ताली बजाते हैं, मैं नाम पढ़ता जाऊंगा। सुनील कोठारी जी, अभिजीत महाजन जी, नीरज दुबे जी, कुमारी प्रतिज्ञा परिहार, जनपद अध्यक्ष, हमारी बेटी के लिए जोरदार तालियां। और आप अपने लिए, पूरे मंच के लिए, मंच में बैठे सभी समस्त अतिथिगण, आप सबको भी प्रणाम करता हूं। क्या संयोग है, क्या योग है, इस दौर के अंदर चुनाव की जब तीसरी बेला का एक तरह से एक चरण निपट गया, दो दिन बाद दूसरा चरण पूरा हो जाएगा और पूरा देश किस प्रकार के माहौल में गुजर रहा है आप सबके सामने। मैं दो चार बातें करके अपनी बात करूंगा, क्योंकि माननीय नड्डा जी रीवा और सतना में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन ये जो चुनाव है, चुनाव की इस बेला में थोड़े विस्तार से अगर बात नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। हम हनुमान जी को याद करें, पवन पुत्र का दिन है आज। आप कल्पना करो, हनुमान जी को अलग कर दो तो हनुमान जी के बिना रामायण पूरी होती है क्या? राम जी के बिना हनुमान जी की कल्पना कर सकते हैं क्या? लेकिन हमारे लिए ये बच्चे बच्चे को मालूम है, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी। आपको मालूम है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि राम जी थे ही नहीं। जब राम जी नहीं मानेंगे तो हनुमान जी को कैसे मानेंगे? और कैसे मोटी चमड़ी वाले, कितने बेशरम है, डंके की चोट, कोर्ट कचहरी में फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट में फैसला हुआ, कांग्रेस के लोग उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। अरे अयोध्या में सरयू माता के किनारे भगवान राम पैदा नहीं हुए, अगर सबको मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि वहां राम पैदा नहीं हुए। कैसे दुर्भाग्य की बात है, करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र वो प्रभु श्री राम, जिसने जीवन में अपने प्रत्येक घटनाक्रम से एक के बाद एक कैसे कैसे निर्णय लेकर के ये मानवता को धन्य किया। माता के आशीर्वाद से आप मान के चलो, कोई आशीर्वाद में वनवास लेगा क्या? लेकिन वनवास पिताजी ने वचन दिया था, तो कहा तो सिंहासन और कहा छोड़ के वन में चल दिए। और ये हमारी संस्कृति को गौरवान्वित करने वाली माता सीता माता, जिसने नंगे पैर कभी जमीन पे पैर भी रखा, लेकिन सहर्ष उनको तो भी वनवास नहीं मिला था। लेकिन ये सारी नारी शक्ति को प्रणाम है, सीता माता के माध्यम से आपको भी प्रणाम करता हूं। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति, पति ने कदम बढ़ाया कठिनाई के माहौल में तो पीछे पीछे पत्नी तैयार होगी। और ये राम सिंह जी और प्रहलाद भैया, आप भैयाओं को भी प्रणाम करता हूं, लखनलाल भी चले पीछे पीछे, क्या हमारे ये संस्कृति है। ये उदात्त संस्कृति कहीं मिलती है तो अपने यहां मिलती है, जिसके माध्यम से 17 लाख सालों में भगवान को पैदा हुए। लेकिन 17 लाख साल बाद भी आज लगता है कि कल ही पैदा हुआ तो भगवान राम का। घर घर में हम सबको राम जी के कल्पना करते हैं, काश राम जी का समय आ जाए, राम राज्य आ जाए। और भगवान राम के साथ हनुमान जी का संबंध तो आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि कई सारे नालायक जिनकी बुद्धि कमजोर है वो ये प्रश्न उठाते हैं। कैसे कैसे प्रश्न उठाते हैं, अब बताओ, राम जी ने राज्य लिया और हनुमान जी को क्या मिला? और हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया इस बात को, जब राम राज्य स्थापित हो रहा था राम दरबार में सबको कुछ मिला, हमको बोलने की जरूरत नहीं। मोती की माला सीता माता ने दी है हनुमान जी को, और हनुमान जी ने वो मोती की माला नष्ट करके संदेश क्या दिया कि मैं कुछ कर रहा हूं तो उसके लिए पाने के लिए नहीं कर रहा हूं। यह हमारा समाज की विशेषता है, राम काज करे करने के बिना
लेकिन मैं हनुमान जी से तुलना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में संकल्प धारण करते हैं कि हमारा जीवन समाज के लिए रहेगा। कोई साधु बनता है, कोई सन्यासी बनता है, कोई संघ के प्रचारक बनते हैं, वो पूरा जीवन अपने संघकार के साथ राष्ट्रकार्य को देते हैं। लेकिन जो नहीं समझते नालायक लोग, वो क्या कहते हैं, इन्हें परिवार नहीं बसाया, इनका कहां परिवार है। अरे डंके की चोट कहते पूरा देश बोलता है कि हाँ हमारा मोदी परिवार है। बोला बोला कि नहीं बोला, पूरा देश मोदी परिवार, हनुमान जी का परिवार देखो, पूरा देश हनुमान परिवार। हमारी संस्कृति से जुड़ करके जो हमको आदर्श मिलते हैं उसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, और तो नए नए विषय खड़े कर रहे, कैसे घोषणा पत्र कांग्रेस ने घोषित किया और उस घोषणा पत्र में लिखा है कि घोषणा पत्र के माध्यम से कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा धन है तो उनसे धन लेकर के जो वंचित लोग हैं उनको दे देंगे। और वंचित लोग की परिक्रमा क्या करती कांग्रेस बताता हूं आपको। वंचित लोग के माध्यम से कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जैसे बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति ने कहा, इस देश पे पहला अधिकार मुस्लिम बंधुओं का है। अब बताओ ये कौन सी बात हो गई। हमारे अपने सारे समाज ने अपनी पूंजी कमाई, अपनी ढंग से जिंदगी बनाई, आपने अपनी क्षमता योग्यता से दो मकान खड़े किए और ये कह रहे हम सर्वे करा करके आपकी संपत्ति किनको दे देंगे। किसी को समझ में आएगी बात। अरे ये कौन सी दुनिया है, वोट के खातिर आप क्या करोगे। आप जरा कल्पना तो कर लो कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए। ये भाव हमारी भारत में नहीं चल सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था की कोई अनुमति नहीं दे सकते। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश की सीमाओं के बाहर जाकर सेना पराक्रम करके पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन ये लोग वो सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मानते, सेना के शौर्य पराक्रम को नकारते हैं। कहां मारा, कहां बम फोड़ा, कौन मरा, मरा के नहीं मरा, हमने तो देखा ही नहीं, अब इनको दिखाने ले जाए, इतनी फुर्सत है इनको, मुंह चलाने की क्या दो खाली, बोलने में क्या जाता। और तो इनके नेता आतंकवादी को जी करके बोलते, और मैंने प्रश्न खड़ा कर दिया, हम हमको राम तो नहीं मत को। अरे भैया राम जी के देश में विरोधी लोगों को, अक्षर से राक्षस के काम करने वालों को आप जयकारा करवाओगे तो आप क्या हो गए, अब इसके बाद क्या बचेगा। भगवान राम के जन्म पर प्रश्न उठाओगे, इसके बाद क्या बचेगा। भगवान राम के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, उस फैसले के बाद भी भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओगे, इसके बाद क्या कहेंगे आप। भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण, अरे आपके अपने जीवन में भी निमंत्रण मिलते हैं, आपकी इच्छा हो जाने की तो जाओ, नहीं इच्छा तो मत जाओ, लेकिन कोई मुंह में मना करता है क्या। हम तुम्हारा निमंत्रण ठुकराते हैं, ये तो दुश्मन देश भी नहीं करेंगे, लेकिन करने वाले कौन है, ये कांग्रेस ही करने वाले। जनता जवाब देगी, जो यहां बैठी है कर लो तुमको जो करना है एक एक काम। भगवान कृष्ण का शिशुपाल जैसा समय याद कर लो, 100 गलतियां कर लेती थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99 फिर 100, और 100वीं गलती के बाद बुआ से कहता, बुआ बस मेरा इसका रिश्ता पूरा हो गया, अब ये 100 गलती कर चुका है, उंगली उठाई और उंगली में सुदर्शन चक्र धारण किया और सारे पाप का हिसाब एक झटके के साथ किया है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र है, इनने जो गलतियां करना कर ले, आप आने वाले 26 तारीख को अपनी उंगली का ऊपर सुदर्शन चक्र धारण करोगे और कांग्रेस का सर्वनाश करोगे, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। हम में से कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी सनातन संस्कृति से जो दूर करेगा उसको हम बर्दाश्त करेंगे। वो तैयार है कि नहीं, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी और जोर से बोलो, जय जय श्याम, भारत माता की। भाई दर्शन चौधरी जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए निकले हैं और हम इनके माध्यम से मोदी जी की सरकार बनाना चाहते हैं, जो भारत को दिव्य भव्य और भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाना चाहते हैं। ऐसे में उनकी सरकार बनाने के लिए हर एक व्यक्ति एक एक वोट जो जिसके आसपास का है
और वो अपनी उंगली के ऊपर ताकत का एहसास करते रहे। इतने वोट डलवाए कि मशीन के अंदर से लग जाए कि कमल के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा है, केवल कमल निकले। बोला सब तैयार है तो मैं साहब बोला जय श्री राम।